तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले की फर्जी वीडियो फैलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए मनीष कश्यप का लिंक अब बॉलीवुड से भी जुड़ रहा है। बिहार पुलिस को मनीष कश्यप के एक बहुचर्चित एक्टर से करीबी रिश्ते की जानकारी मिली है। बता दें कि मनीष कश्यप मामले की जांच कर रही ईओयू की टीम बॉलीवुड अभिनेता से भी पूछताछ कर सकती है। इससे पहले ईओयू की रडार पर पटना के बहुचर्चित खान सर समेत 5 कोचिंग संचालक आ चुके हैं। आरोप है कि इन 5 कोचिंग संचालकों ने मनीष कश्यप को पैसे दिए थे। बता दें कि शनिवार को मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया है, रविवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है, लेकिन आज बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने उसे रिमांड पर लेने के लिए अदालत में अर्जी लगाई है। ईओयू ने कोर्ट से कहा है कि मनीष कश्यप से पूछताछ में कई अहम सुराग मिल सकते हैं, लिहाजा अदालत उसे रिमांड पर लेने की इजाज़त दे। इसी बीच ईओयू सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक मनीष कश्यप मामले की जांच मुंबई और बॉलीवुड तक जा सकती है। जी हां, ईओयू की जांच टीम को मनीष कश्यप के एक बॉलीवुड अभिनेता से करीबी संबंध होने की जानकारी मिली है। मनीष कश्यप न सिर्फ मुंबई जाकर एक्टर से मिलता रहा, बल्कि एक्टर ने मनीष कश्यप के बुलावे पर पटना में कार्यक्रम भी किए। ईओयू ने पटना में मनीष कश्यप के ऑफिस और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की थी, तब वहां से बॉलीवुड एक्टर से संबंधित कुछ जानकारियां भी हाथ लगी थी। हालांकि ईओयू ने एक अधिकारी से कहा कि अभी शुरुआती लिंक मिले हैं, रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की जाएगी तो मामला ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। वहीं पूरी जानकारी लेने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि बॉलीवुड के एक्टर से पूछताछ की जाए या फिर नहीं। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस की जाँच टीम मनीष कश्यप के बैंक अकाउंट से लेकर मोबाइल के कॉल डिटेल से ये जानकारी ले रही है कि बॉलीवुड एक्टर से उसके संबंध कितना करीबी था, क्या दोनों के बीच पैसों का भी कुछ लेन देन किया गया था। सारी जानकारी लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस बीच ईओयू की जांच में पटना के 5 कोचिंग संचालक उसके रडार पर आए हैं। इनमें बहुचर्चित खान सर भी शामिल हैं। इन कोचिंग संचालकों पर मनीष कश्यप को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप लगा है। ईओयू की टीम ने एक कोचिंग संचालक से पूछताछ भी की है। वहीं बता दें कि खान सर से भी पूछताछ की जाएगी। जब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि मनीष कश्यप के कहने पर कुछ कोचिंग संचालकों ने पटना में उसकी होर्डिंग लगाई थी, इसके लिए पटना नगर निगम और पुलिस की भी अनुमति नहीं ली गई थी। ईओयू ने पटना नगर निगम को पत्र लिखकर सारी जानकारी मांगी है। वहीं कोचिंग संचालकों से भी पूछताछ की जा रही, उन्होंने मनीष कश्यप के अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर किए। बहरहाल इस पूरे जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस मामले में किन किन लोगों पर गाज गिरती है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।